रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद की टिप्पणी पर बवाल, वीएचपी नेता बोले पागलखाने में भर्ती कराया जाए, एसपी ने बनाई दूरी। रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर प्रसाद के साथ अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री व सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी साधु संतों के निशाने पर आ गए हैं। अयोध्या कोतवाली में तहरीर देकर दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। हालांकि मौर्य के विवादित बोल खुद उन्हीं की पार्टी समाजवादी पार्टी को रास नहीं आए हैं। विधानसभा में सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने स्वामी प्रसाद पर सीधे टिप्पणी से परहेज करते हुए मानस में छिपे सार को अपने वीडियो संदेश के माध्यम से साझा कर इस महान धर्मग्रंथ की उपयोगिता बताते हुए आईना दिखाया है। मनोज पांडे ने मानस को जीवन जीने की जीवन पद्धति बताया। कहा, रामचरितमानस एक अकाट्य सत्य है, हम सभी लोग रामचरितमानस के प्रति श्रद्धा रखते हैं। उल्लेखनीय है कि एक निजी टीवी चैनल से बातचीत में स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी करते हुए इसे प्रतिबंधित करने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि जो भी विवादित अंश इस ग्रंथ में संकलित हैं उन्हें निकाला जाना चाहिए। तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस की एक चौपाई ढोल गवार शूद्र पशु नारू सकल ताड़ना के अधिकारी का जिक्र करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि इस तरह की पुस्तक को जब्त किया जाना चाहिए। महिलाएं सभी वर्ग की हैं, क्या उनकी भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं? उन्होंने कहा कि एक तरफ तो कहेंगे कि यत्र नारयस्तु पूंजते रमन्ते तत्र देवता, दूसरी तरफ तुलसी बाबा से गाली दिलवा कर कहेंगे इनको मारिए पीटिए, यही धर्म है। तो ऐसे धर्म से हम तौबा करते हैं। हालांकि बाद में ANI न्यूज एजेंसी के साथ बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रतिबंध की मांग नहीं रखी। रामचरितमानस में कुछ जातियों वर्गों और वर्णों को लेकर जो आहत करने वाले अंश हैं उन्हें हटाया जाना चाहिए। बिहार के शिक्षा मंत्री व मौर्य के बयान से आहत साधु संतों ने भी इसके खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रयागराज में अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने विवादित बयान की कड़ी निंदा की और कहा कि गोस्वामी तुलसी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस व प्रभु श्री राम पर विवादित टिप्पणी चर्च प्रायोजित वामपंथ के टूलकिट का हिस्सा है। इसके जरिए देश को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है। हिंदुओं के आराध्य व धर्म ग्रंथों को अपशब्द कहकर हिंदुओं की भावना भड़काई जा रही है ताकि इससे आहत होकर हिंदू प्रदर्शन करें तो उनकी गलत छवि विश्व में पेश की जाए।